हाइपर वी, ठीक है। हाइपर वी क्या है? एक हाइपरवाइजर है, हाइपरवाइजर क्या होता है? हाइपरवाइजर इज ए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, हाइपरवाइजर इज ए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, हाइपरवाइजर एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कहाँ काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होगा, उसके बाद हाइपरवाइजर बूट होगा, उसके बाद जो उसके अंदर मशीनें चल रही हैं वो काम करेगी, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हाइपरवाइजर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टाइप्स, टाइप वन हाइपरवाइजर, टाइप टू हाइपरवाइजर, ठीक है। टाइप वन हाइपरवाइजर जो होते हैं वर्क्स विदाउट ओएस, डू नॉट रिक्वायर्ड प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इट्स कॉल्ड बेयर मेटल हाइपरवाइजर, उन्हें कहते हैं बेयर मेटल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ हाइपरवाइजर इज इंस्टॉल्ड as a OS, OS की तरह इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। OS की तरह क्या होते हैं, ये इंस्टॉल होते हैं, इन्हें कहते हैं टाइप वन हाइपरवाइजर। दूसरी तरह के होते हैं टाइप टू हाइपरवाइजर, दीज हाइपरवाइजर्स कैन नॉट रन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे वीएमवेयर वर्क स्टेशन, ठीक है। इसके अलावा और बताओ, और बताओ, नाम बताओ, टाइप वन एग्जाम्पल दो, वीएमवेयर एसएसआई, वीएमवेयर का, हाइपर वी,
ओरेकल का कौन सा था वो? पर भी लोड होता है तो ये अपना आर्किटेक्चर बदल लेता है। जब फर्स्ट टाइम आप डालोगे ऐसे डलेगा ये। आपने हार्डवेयर डाला ये टू ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने डाला 2012 हार्ड टू, ठीक है ना। इस पे आपने हाइपर वी रोल इंस्टॉल किया और उसके बाद अब ये इसके अंदर मशीनें बनाओगे तो क्या होगा, जब आप रिस्टार्ट करोगे ये तो आर्किटेक्चर बदल जाएगा। कैसे हो जाएगा आर्किटेक्चर, देखो
हार्डवेयर हो गए, पहले हाइपर वी बूट करेगा, ठीक है, ये बैकग्राउंड में लोड हो जाएगा। जब ये बैकग्राउंड में लोड होगा तो पहले हाइपर वी लोड होगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। एक बार डर लेने तो हाइपर वी के ऊपर आ गया, ये समझ रहे हो? अब आप के अंदर अब ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा ऐसा। हाँ, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हाइपर वी डाला, ओएस के अंदर डाला हूँ। अब इसके बाद आपने लोड किया इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्किटेक्चर बदल लेता है। अब ESXi की अगर मैं बात करूं तो ESXi में थोड़ा सा चेंज है। ये माइक्रोसॉफ्ट के हाइपरवाइजर का आर्किटेक्चर है। ESXi का जो टाइप वन है वो कैसे काम करेगा, सीधा लोड हो गया ESXi। उसके बाद क्या है, रिमोटली मैनेज करोगे इसको, ठीक है। यहाँ पे मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डालना जरूरी है, यहाँ मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डालना जरूरी नहीं है, इसको रिमोटली मैनेज करोगे। यहाँ पे आप डालोगे VMware रिमोट मैनेज करने के, बात समझ आई? तो ये पूरा आर्किटेक्चर होता है। बनाने की जरूरत नहीं, सेव करके ले जाना, अब इसके अंदर काम करेगी। हाइपरवाइजर कैसे इंस्टॉल करेंगे, देखो एड रोल्स में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हाइपर वी, ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देखो यहाँ पे जो है नेटवर्क कनेक्शंस में दो आ रहे हैं, तो कौन से ईथरनेट पोर्ट को आप VMware के लिए यूज़ करोगे एज ए वर्चुअल स्विच, तो यहाँ पे जिस भी आप VM को सेलेक्ट करोगे ईथरनेट पोर्ट को एज ए वी स्विच की तरह काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ईथरनेट वाले पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है अलाउ सर्वर टू सेंड रिसीव लाइव माइग्रेशन, यूज करना है यहाँ पे देखो Kerberos, ये ऑथेंटिकेशन जो है Kerberos जो है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। ये जो होता है क्रेड SSP, ये लेस सिक्योर होता है प्रोटोकॉल, हम यूज़ करेंगे सिक्योर प्रोटोकॉल Kerberos, तो इन पे टिक करना है इस तरह से ऑथेंटिकेशन Kerberos अलाउ सेंड रिसीव माइग्रेशन ऑफ VM।
डिफॉल्ट लोकेशन होती है सी ड्राइव में हार्ड ड्राइव्स की, तो हाइपर वी के अंदर हार्ड ड्राइव फाइल बनेगी और कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनेगी हाइपर वी के अंदर। तो ये बात होता है प्रोग्राम डेटा का, ये प्रोग्राम डेटा है ना कि प्रोग्राम फाइल्स है, ये माई डॉक्यूमेंट्स का पाथ है, ध्यान रखना आपको। रिस्टार्ट करना है एक बार, डेस्टिनेशन सर्वर रिक्वायर्ड इंस्टॉल, रोल इंस्टॉल होने के बाद रिबूट होगा और ये रोल इंस्टॉल होगा।
उसका लोड हो चुका। अच्छा, उसके लोड होने के बाद ही लोड हुआ है। हाँ, उसको यूज कराना है। इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर या बूटेबल मीडिया। लेटर करोगे तो क्या होगा, एम्प्टी मशीन बनेगी और फिर बूट कराना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट आपको लेना है तो यहाँ से आप ओएस चूज कर लोगे, आईएसओ फाइल ओएस की, ये मेरे पास पड़ी है यहाँ पे, मेरी सर्वर की फाइल डाली, नेक्स्ट करेंगे। अब ये देखो, यहाँ मशीन बनके तैयार हो गई है आपकी।
यहाँ पे देखो कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको पावर ऑन करेंगे। प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी, एंटर मार देंगे। करप्ट इमेज है क्या? देखो दोनों एक साथ चलाओगे तो ये एरर आएगी। हाँ
कह रहा है कि भाई हाइपर वी रोल को पहले हटाओ तब चलूंगा। फिर से बनाते हैं एक मशीन, ठीक है।
इतना बड़ा झंझट है। चलती रहती है, सब बंद कर दो तो भी है। यहाँ पे 7% दिखा रहा है, बट वहाँ पे 10% दिखा रहा है। कहाँ पे? कहाँ दिखा रहा है? CPU जैसे। अब देखो इसी में यहाँ पे आपको दिखाएगा नीचे। समरी, मेमोरी, मिनिमम मेमोरी। डिजाइन मेमोरी इतनी ठीक है, मैक्सिमम इतनी ले सकता है इस नेटवर्क कार्ड से चल रहा है ठीक है। स्टेटस है इसका, एप्लीकेशन स्टेटस।
तरह से ये मशीन यहाँ पे आप बना सकते हैं जो भी आप चाहो। फास्ट चलता है ये।
अरे इसमें लफड़े नहीं देखे अभी तुमने, इसके अभी लफड़े देखोगे ना जब पता लग जाएगा। ये फ्री के चक्कर में चल रही बस सारी कंपनी उस पे ही आ जाती है। हाइपर वी पे इतना अच्छा होता था तुम कह रहे हो ना, इतना अच्छा है, सारी कंपनी आ जाती टॉप मोस्ट सारी क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसमें बग है बहुत सारे। सबसे गंदी चीज इसकी देखो क्या है, ये मशीन ऑन की मैंने, अब ये टैब बने नहीं आएंगे यहाँ पे, उसमें तो पता लग जाता है कौन सी मशीन कहाँ पे चल रही है तो इसमें क्या करोगे सर? आप कौन सा टॉपिक लाए हमारे नीचे आ रहा सर, क्या हल्का फुल्का है ये मशीन अलग चल रही है, ये अलग चल रही है, समझ रहे हो ना? पता नहीं चलेगा ना, अगर 10 मशीनें ऑन कर ली तुमने तो हाँ उसमें टैप बंद है, लफड़ा है बहुत प्रॉब्लम है इसमें। एक्चुअल में वो बना नहीं सकते ना वैसा, कॉपीराइट है उनका, कहेंगे यार तुमने हमारे जैसा बना दिया, कॉपीराइट है, टोक देंगे। वो कंपनी भी छोटी नहीं है ना, उससे तो मोटे पैसे ले लेंगे वो लोग, फिर वो कहेंगे यार तुमने ऐसा डिजाइन बनाया कैसे, हमारा कॉपीराइट है। जैसे एप्पल ने डिजाइन बना रखा है वाला, हाँ। अब सैमसंग वालों ने चोरी किया उसका, कर दिया ना तकड़ा केस सिर्फ डिजाइन पे। तो एप्पल ने भी तो चोरी कर रखी है एमआई की, एमआई फोनों की, पहले एप्पल ने बनाया बाद में आया एमआई ने, बाद में बनाया और क्या, एमआई तो अब आया भाई चाइनीज सेक्टर लास्ट ईयर की बात है, जब सूरत में था तो सर, बट एमआई ने मार्केट फेल कर रखी है सबकी, सस्ता दे रहे हैं ना बहुत भाई, मैं कह रहा हूं पर वो सर थोड़े टाइम चलाओगे ना उसके बाद काम जाता, फिर वो काम वाली फीलिंग आनी है। ये भाई दिक्कत है, मैं कह रहा था कीड़ा लगता है ना सर,
कीड़ा फिर सब कीड़ा लगा मैं तो चुप रहा भाई तेरे को उड़ गए बाल सर ये कौन सा कीड़ा होता है उड़ने ये फिर मतलब जैसे 10 बंदों से पूछो ना तो 10 बातें बता देगा कि वो प्याज लगा लो लहसुन लगा लो और जैसे हॉस्पिटल से लेके आए ना तो वो बहुत हार्ड थी सर के अंदर घुस जाते थे वो छोड़ ही नहीं लगा अब तेरे को ऐसे लहसुन बांध के रखना है यूनानी में इलाज है इसको यूनानी में इलाज है इसको होम्योपैथी में यूनानी में वो कहां पर है उसके लिए यूनानी कहां मिलेगा यूनानी में इलाज है इसको बैर जो होते हैं ना इसके यूनानी के वो देंगे दवाई इसको दिल्ली में बैठते हैं सर ये दिल्ली में बैठते हैं इसके लिए जाना पड़ेगा ना मुरादनगर पूछ लेना चुंगी नंबर 3 हाँ पूछ लेना वहाँ पे वैद होता है बहुत फेमस है वो लाइन लगेंगी पूरी 2 दिन में नंबर आया तुम्हारा ना ना पहले नंबर लिखाना पड़ेगा ना अच्छा अपॉइंटमेंट वगैरह पूरा पूरा कमरा भरा रहता है किसमें 2-3 हज़ार वो रहते हैं मरीज पूरे पूरी लाइन लगी रहती है पूरी रात भर तुम्हें रहना पड़ेगा उसके बाद सुबह नंबर आएगा मतलब लेकिन उसकी दवाई अगर ले ली ना तुमने एक बार खत्म है बीमारी सर कोई सी बीमारी कोई भी स्पेशलिस्ट है वो मतलब उसकी दवाई इस टाइप की है ना वो खुद बनाता है वो इस टाइप की बनाता है वो दवाई यूनानी मेडिसिन उर्दू में लिखता दवाई उर्दू में लिख के दे देगा तुम्हें पर्चे पहले भाई ये दवाई है कहीं भी जाओगे ना कोई पढ़ेगा पढ़ भी नहीं पाएगा कि क्या लिखा है ऐसा वो प्रोफेसर मिलेंगे कहाँ से दवाई उसी के दवा खाने में एक हमारे मथुरा में वो दस दवा की ठीक करता है जैसे कोई वैसी कोई एक्यूपेंचर चाहते हो तो पहले तो आप अपना एक मेल ठीक है आप सभी अपना एक मेल आईडी दे दो
इसमें मैं जो भी आपके प्रोफाइल स्किल्स हैं मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ कंपनी का, और उसके अकॉर्डिंग जैसा भी सुटेबल टाइम होगा आप बता देना, इंटरव्यू करवा देना। ठीक ठीक है सर, ठीक है। तो बस मेल दे दो आप, एक पेज पे लिख देना, सर एडी में जाएंगे, L2 एडी L2 में और एंट्री दो बार नहीं, L2 में जाएंगे, L2 पे जाएंगे, एंट्री तो वही हो जाएगा। इसमें है ये आप देख सकते हो, इसमें सर्च कर लो प्रोफाइल अगर मैच करता है, बहुत सारे हैं, अरे कोई तो मैच करेगा, फिर मुझे कल ही बता रहा है, कल याद नहीं रहा मुझे। और यहाँ से कह रहे हैं कम से कम दो को भेजना है, कहाँ पे सर? यहाँ से एप्रॉन से, कितने? कम से कम दो, वो कह रहे हैं कम से कम दो भी दो आप, उनको तो जरूरत ज़्यादा है रिक्वायरमेंट। अब तो हम तो सारे सर खाली बैठे हैं, वेल टू, हाँ उसके हिसाब से हम इंटरव्यू को आपको, कोई दिक्कत नहीं है, सारे चले जाएंगे, सारे चले जाएंगे सर, आपके क्योंकि मैं सर उनको इन्फॉर्म ही करना है, मुझे वीकेज है। ठीक है, ये हाइपर भी चल रहा है,
एलईडी डाल दी। ये ले लिए, एक हजार बंदों को देखना है।
साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग आई टी कंपनी है 1983 में बनी है डेटा सेंटर चलो अच्छी है रेवेन्यू ईयर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऐसे पता करते हैं अगर वो पता आपने बताया था लिखवाया ये पता चल जाता है इनका सर्वर कहाँ रखा हुआ है क्या उसका आईपी है अफ्रीकन है ये कंपनी क्लाउड सर्विसेज साइबर सिक्योरिटी
कर रहे हैं अभी एक्सपोर्ट वगैरह, तो ये क्लोनिंग हो रही है, तो क्लोनिंग के अंदर जो भी मतलब डेटा वगैरह इसके अंदर होगा वो सब क्या है? दूसरी मशीन बन जाएगी एज इट इज।
आ रहे हैं ना इसमें, एक ले लीजिए, चलो ये ले लेता हूँ, इनेबल सिंगल रूट आईओ वर्चुअलाइजेशन। ये क्या करता है, इस पोर्ट पे मल्टीपल इंटरफेसेस जो है क्रिएट कर देता है, जिससे कि क्या है नंबर ऑफ जो साइमल्टेनियसली मल्टीपल कनेक्शन एक्सेस कर सके, तो इसे बोलते हैं SRIOV। ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के अंडर में आता है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना मेमोरी को आप क्लोन कर रहे हो एक तरीके से, मतलब मेमोरी को वर्चुअलाइज कर रहे हो, तो मेमोरी वर्चुअलाइजेशन हो गया, ठीक है। हार्ड डिस्क को कर रहे हो वर्चुअलाइज, तो हार्ड डिस्क वर्चुअलाइजेशन हो गया। उसी तरह से नेटवर्क को भी वर्चुअलाइज कर सकते हैं, तो इसके अंदर मल्टीपल सेपरेट नेटवर्क बन सकते हैं। तो ये अगर ये फीचर यूज़ करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, यानी कि एक ही नेटवर्क पोर्ट के अंदर मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क पोर्ट बनेंगे इसके। ठीक है, ये आपने किया, अप्लाई किया, पेंडिंग डिस्टर्बेंस कनेक्टिविटी, रुको वन वाले को देखो, दोनों को ही कह रहा है, यानी कि ये दोनों आपके ना इसके लिए बाइंड है। चलो मैं VM.NET 1 यूज कर लेता हूँ वर्चुअल वाले को, तो यहाँ पे क्या होगा एक V switch क्रिएट हो जाएगा इसके लिए। तो इसकी सेटिंग में आप आओगे, यहाँ नेटवर्क एडिटर आ गया। अब यहाँ पे आप वी स्विच को चूज कर सकते हैं जो आपने क्रिएट किया था, ये देखो इंटरनेट आ गया। अगर इसे इंटरनेट से जोड़ना है तो इसको सिलेक्ट करोगे, सिर्फ अप्लाई कर दोगे, दोनों फर्क है भाई, वो अपना VMware है, ये ऊपर भी है, एक्सपोर्ट हो चुकी है मशीन, देखो देखो ये यहाँ पे एक फोल्डर बन गया है, देखो 12 GB का, इसके अंदर ये सारा डेटा आ गया, देखो स्नैपशॉट्स, स्नैपशॉट ये वो है चेक पॉइंट, इनको देखो है, इसने भी स्नैपशॉट बोला है, ठीक है, ये चेक पॉइंट की फाइल्स है। अच्छा जो हम लोगों ने बनाई थी, हाँ ये वर्चुअल हार्ड डिस्क है जो इसमें बनी है, ये वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स है, हेलो बस बढ़िया, और सुनो, हाँ हाँ मोमिन बोल रहे हो ना, अभी क्लास ले रहा था मैं, हाँ मैं करता हूँ तुम्हें कॉल बैक, ठीक है, चलो ओके बाय। आप यहां पे क्रिएट कर सकते हो, इंपोर्ट नंबर हो जाते सब, फोन नंबर डाल दो मालिक को भाई, देखो अरे कुछ वो भाई इसमें से क्या निकाल रहा है, पीजी निकालने का भाई, ने वो बचा रहा है नाम नंबर भाई से नंबर तो दे देते भाई, बोल देना कॉल जरूर आनी चाहिए, मैं भी हूँ भाई।
भी हो हमारे साथ भी हो अभी अगर राहुल का सीवी पकड़ उसमें कॉपी पेस्ट मार दे बन गया राहुल इनकी सेवा करो भाई राहुल का सीवी उठा उसमें नाम चेंज करना है बाकी यहाँ से देखो आप इंपोर्ट कर दो इंपोर्ट इंपोर्ट विजार्ड चलेगा फोल्डर ये कह रहा है जहाँ पे मशीन रखी है उसकी सेटिंग कहाँ पड़ी है क्या क्या यहाँ से उठा लेंगे इंपोर्ट हो रहा है इंपोर्ट हो रहा है ये रही है अपने आप उठा लिया देखो इसके अंदर कौन सा हुआ है रजिस्टर वर्चुअल मशीन यूज द एग्जिस्टिंग यूनिक आईडी ये एग्जिस्टिंग के लिए यानी कि जो उसकी आईडी है वही चले ठीक है ये है आपकी देखो रिस्टोर द वर्चुअल मशीन यूज द एग्जिस्टिंग और कॉपी द वर्चुअल मशीन क्रिएट ए न्यू तो हमें लेना है क्रिएट ए न्यू वाला ये वाला ये जो दोनों हैं ये एग्जिस्टिंग आईडी को यूज करेंगे रजिस्टर है पहला दूसरा रजिस्टर है जो मशीन आईडी होती है ना आपकी अगर दो मशीनें सेम मशीन आईडी पे चल रही है ठीक है तो अगर डोमेन ज्वाइन कराओगे तो एरर आएगी या और कोई एडी से रिलेटेड काम करोगे तो एरर आएगी क्योंकि एडी में हर मशीन की वो एक यूनिक आईडी मिलती है ठीक है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा सिस्प्रैप चलाना पड़ेगा अगर आपकी आईडी जो है आपने रजिस्टर्ड कर दिया ये वाले से तो सिस्प्रैप चलाना पड़ेगा दोबारा से जनरेट करने के लिए आईडी को तो अभी ये वाला यूज करो अभी अपने आप ही नई आईडी क्रिएट करेगा यहाँ पे टिक कर दो नेक्स्ट करो फिनिश यानी कि अब जो पुरानी मशीन है उसकी सेटिंग उठा के नई मशीन क्रिएट हो रही है तो इस तरह से यहाँ पे इंपोर्ट करा के आप मशीन को क्रिएट कर सकते जिससे कि बार बार आप नई मशीन इंस्टॉल ना करो ये तो हर बार नई मशीन इंस्टॉल करनी पड़ती है ना तो इसके लिए ऐसे किया जाए दो बस दो ही है नहीं
1000 बता रहा है, मेरा 1000 वैकेंसी है, पता नहीं कितने बता रहा था, 1000 बता रहा था ना, 1000 में तो सारे बंदे लेके जाए, 1000 में तो ये भी लग गया जो बता रहा है, चल रहे तू भी चल हमारे साथ ही MB का सॉफ्टवेयर है फिर तो देख के वास्तव में अगला वाला
बन गया तो रात को सर आप खाली में छोड़िए ना उसका
काली मिर्च को ये रेप्लिकेशन के लिए होता है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच में आप रेप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होगा, हाइपर वी की रेप्लिका बन जाएगी। तो क्या इसके लिए आपको दो सर्वर चाहिए होंगे, एक तो सर्वर ये हो गया, एक और सर्वर है मान के चलो। तो अब क्या हो गया, इसकी हाइपर वी की रेप्लिका बनाओगे, इसमें जो जो मशीनें चल रही है दूसरे सर्वर पे भी एग्जिस्ट करेगी। अगर एक ये डाउन होगा तो दूसरे वाले से काम करेंगे। हाँ, तो ये उसके लिए होती है। तो बस आपको मशीन को सिलेक्ट करना है जो दूसरी जगह पे भी काम करें आपकी, तो यहाँ से आप ऑन करोगे रेप्लिकेशन। जैसे इसका रेप्लिकेशन बना रेप्लिका सर्वर, यहाँ पे आपको उस सर्वर को ब्राउज करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे तो दो सर्वर चाहिए, तो यहाँ पे अभी ये सर्च नहीं कर पाएगा, एक ही सर्वर है मेरे पास। तो अभी हाइपर वी के ऐसे ऐसे मेरे पास दो सर्वर, तीन सर्वर, चार सर्वर होने चाहिए। एक ही को फाइंड करने वही बात है, जैसे ये फाइंड करेगा ना, फिर वो पूछेगा डेस्टिनेशन सर्वर कहाँ है, वो सारी सेटिंग वहाँ भेज देगा, ठीक है ना। ये उसके लिए, अभी इसमें तो तैयार कैसे करूँगा, दो चाहिए इसके लिए, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें होती है इसमें, फिर लाइव माइग्रेशन है उसके बीच में, वो तब देख पाओगे जब दो सर्वर फिजिकली होंगे, उनमें हाइपर भी डला होगा, आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। और फिर क्या है, वीएम को माइग्रेट कर सकते हो उसके। तो सर उसमें मतलब सिर्फ डेटा एप्लीकेशन होगा या मशीन भी? पूरी मशीन जाएगी, पूरी मशीन। तो उसमें हम जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहां पे एनीवेयर हो जाएगा। रेप्लिका में क्या होता है, दो मशीनें क्रिएट हो जाती है एक की जगह, एक यहाँ रहेगी एक वहाँ रहेगी, अगर एक डाउन है तो दूसरी चलती रहेगी, दोनों से पिंग आएगा। वो प्राइमरी और सेकेंडरी पॉइंट नहीं करा इसमें, ठीक है, समझ रहे हो। ये सारी चीजें तब हो पाएंगी जब दूसरा सर्वर हो। अभी ये लिमिटेशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। बस यही सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, बाकी इससे अगर ज्यादा करना है तो फिर SCCM के थ्रू से मैनेज कर सकते हो। SCCM पहले डालना पड़ेगा ना, तभी तो काम होगा इसमें। ये देखो, ये सब बैकग्राउंड में रनिंग कर रही है मशीन। अब देखो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, मशीन रन कर रही है बैकग्राउंड में, ये मशीन मैंने देखो यहाँ से रिस्टार्ट करता हूँ देखो कंप्यूटर को, बोला था। और ना कैसी बातें करता है यार, तो
लग रहा है, सबसे पहले जाकर बोल जाना मेरा भाई लग रहा है। सर अब हमारे दो ही टॉपिक बचे हैं ना, ADRMS और तीन बचे, ADRMS ADFS ADLDS, तीनों टॉपिक तुम्हें कभी कोई पूछेगा ही नहीं। बट ठीक है ADRMS ADLDS WSUS रह गया, तो उसके लिए करें आज करें फिर वो हॉटस्पॉट बोल रहे छः बजे सर, उसके लिए आप बोल रहे थे ना 1 GB चाहिए डेटा, मतलब पेन ड्राइव चाहिए, नेट चाहिए, नेट चाहिए उसके लिए है तुम्हारे पास हाई स्पीड 20 Mbps आ रही है स्पीड, 10 आ रही है, 10 बहुत है सर। आप ऐसे ही बता देना एक बार WSUS कैसे काम करता था भाई, देखने अरे करके दिखाएंगे ना पूरा यार लाइव। सरकारी वालों के साथ
भाई मिल गया हमारा। मैं तुझे भी मौका देना चाहता हूँ। ताले तो इस सब तेरे से तो बढ़िया है। लेकिन जो भी अगर भाई है दिल का साथ, अभी बोलोगे ना फोन देखा दिखा दे ना। Thank you.